हेलो फ्रेंड्स एंड मेडियो स्टूडेंट, फार्मास्यूटिक्स के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से मेथड हम लोग यूज करते हैं इमल्सन को प्रिपेयर करने के लिए, और डिटेल में बात करेंगे कि उन मेथड को यूज करके हम किस तरह से एक इमल्सन प्रिपेयर कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर महंताप सिंह, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन के बारे में, तो इसमें जो हमारी बेसिक टेक्निक है उसमें हम क्या करते हैं कि हम इसमें यूज़ करते हैं वाटर को, यूज़ करते हैं ऑयल को, यूज़ करते हैं और किसी भी यूज़ करते हैं गम को, या हम इसको इमल्सिफाइंग एजेंट भी कह सकते हैं। इनको हम एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में यूज़ करते हैं और उससे सबसे पहले हम फॉर्म करते हैं एक प्राइमरी इमल्सन। तो जो हमारा होता है प्राइमरी इमल्सन, वो जब फॉर्म हो जाता है तो उसके बाद में जो भी हमारी कॉन्टिन्यूस फेज है उसको हम उसमें ऐड करते हैं और फाइनल इमल्सन हम उससे क्रिएट करते हैं। तो ये एक बेसिक टेक्निक है जिसको हम लोग यूज करते हैं जब भी हम लोग कोई इमल्सन प्रिपेयर करते हैं। तो जब हम कोई इमल्सन प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हम जो भी इंग्रेडिएंट ऐड कर रहे हैं उनको हम उसके रेस्पेक्टिव सॉल्वेंट के अंदर पहले डिसॉल्व कर देते हैं। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। बिफोर प्रिपेयरिंग इमल्सन, ऑयल सॉल्वेबल एंड वाटर सॉल्वेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर सेपरेटली डिसॉल्व इन अप्रोप्रिएट फेज। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, अगर वो जो है ऑयल सॉल्वेबल है तो उसको हम ऑयल में डिसॉल्व कर लेते हैं, और अगर वाटर, उसके बाद हम क्या करते हैं कि ए सूटेबल इमल्सिफाइंग एजेंट इज सेलेक्टेड फॉर द टाइप ऑफ इमल्सन रिक्वायर्ड। तो हमें किस प्रकार का इमल्सन रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से हम एक इमल्सिफाइंग एजेंट को जो है वो चूज कर लेते हैं, और उसके बाद में उसको हम डिसॉल्व कर देते हैं आइदर इन ऑयल और वाटर फेज में हम उसको डिसॉल्व कर देते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में क्या किया, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट थे उनको हमने, अगर वो ऑयल सॉल्वेबल है तो उसको हमने ऑयल में डिसॉल्व कर लिया, और अगर वाटर सॉल्वेबल है तो उनको हमने पहले वाटर में डिसॉल्व कर लिया। फिर हमने अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार किस तरह का, किस टाइप का इमल्सन हमें प्रिपेयर करना है उसके हिसाब से हम एक इमल्सिफाइंग एजेंट चूज करते हैं और उसको हम ऑयल या वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं। वो जनरली डिस्पर्स फेज इज ग्रेजुअली एडेड टू कंटीन्यूअस फेज। तो हम जब भी इमल्सन प्रिपेयर करते हैं तो जो हमारी डिस्पर्स फेज होती है, वो जो कि उसमें ग्लोब्यूल के फॉर्म में रहने वाली है, उसको हम ग्रेजुअली कंटीन्यूअस फेज में ऐड करते हैं। जो ऑफन ए मोर विस्कस प्राइमरी इमल्सन इज फॉर्म, तो इसमें हम सबसे पहले एक मोर विस्कस प्राइमरी इमल्सन को प्रिपेयर करते हैं, फॉर्म करते हैं, देन बल्क ऑफ कॉन्टिन्यूस फेज इज इनकॉर्पोरेटेड। उसके बाद में हम उसमें जो हमारी कॉन्टिन्यूस फेज है उसको हम फिर डालते हैं। तो वो सबसे पहले हमने प्राइमरी इमल्सन प्रिपेयर किया, और फिर उसके बाद में हमने उससे इमल्सन को अपने हल प्रिपेयर किया, फाइनल इमल्सन को फिर हम उसके बाद में डायल्यूशन के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कौन कौन से मेथड्स को हम लोग यूज करते हैं इमल्सन को प्रिपेयर करने के लिए, तो इनको हम बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जो हमारी पहली वो कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड द ट्राइचुरेशन मेथड, और जो हमारी दूसरी कैटेगरी है इसको हम कहते हैं बॉटल मेथड। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द ट्राइचुरेशन मेथड, तो इसमें हम यूज करते हैं वो कॉन्टिनेंटल आर ड्राई गम मेथड हम इसको कहते हैं, और इसका जो हमारा दूसरा मेथड है दैट इज कॉल्ड द इंग्लिश आर वेट गम मेथड हम इसको कहते हैं, और जो हमारा अगली कैटेगरी है दैट इज द बॉटल मेथड। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, वो बॉटल को यूज करते हैं, और इसको हम कहते हैं फॉर्बीज बॉटल मेथड भी हम इसको कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे कि इन मेथड्स को यूज करके हम किस तरह से इमल्सन को फॉर्म करते हैं। तो इसमें जो हमारी पहली वो कैटेगरी है दैट इज द ट्राइजुरेशन मेथड, और इसका जो पहला मेथड है वो कहलाता है कॉन्टिनेंटल आर ड्राई गम मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं, जो भी हम गम यूज कर रहे हैं, उसको सबसे पहले हम ऑयल के साथ में मिक्स करते हैं और उसके बाद में उसमें वाटर को ऐड करते हैं। तो इस मेथड में आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी हमारा गम है, इमल्सिफाइंग एजेंट है, उसको सबसे पहले हम ऑयल में ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, और उसके बाद में वाटर को ऐड करते हैं। द मेथड इज ऑल्सो रिफर्ड एज 4:2:1 मेथड भी हम इसको कहते हैं। तो ऐसा इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हम फोर पार्ट या वॉल्यूम ऑयल को लेते हैं,
दो पार्ट इसमें हम वाटर लेते हैं और एक पार्ट हम लेते हैं गम या इमल्सिफाइंग एजेंट को इसमें ऐड करते हैं, और इनको ऐड करके सबसे पहले हम एक प्राइमरी इमल्सन फॉर्म करते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं कि इसको ट्राइचुरेट करते हैं, और तब तक ट्राइचुरेट करते हैं जब तक कि एक कैरेक्टरिस्टिक क्लिकिंग साउंड हमें सुनाई नहीं पड़ता है। तो जब क्लिकिंग साउंड आता है तो उस समय एक वाइट थिक क्रीम फॉर्म होती है जिसको कि हम प्राइमरी इमल्सन कहते हैं। तो एक बार हमने हालांकि 4 पार्ट ऑयल लिया, 2 पार्ट वाटर लिया और 1 पार्ट लिया गम, और उसको हमने वो ट्राइचुरेट किया, और उसके बाद में जब उसमें क्लिकिंग साउंड आना स्टार्ट हो गया, एक वाइट थिक क्रीम फॉर्म हो गई और हमारा प्राइमरी इमल्सन फॉर्म हो गया। तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, वंस ए प्राइमरी इमल्सन इज फॉर्म रिमेनिंग क्वान्टिटी ऑफ वाटर इज एडेड टू फॉर्म द फाइनल इमल्सन। अब हम जो रिमेनिंग क्वान्टिटी जो हमारी वाटर की है उसको उसमें ऐड करेंगे और एक फाइनल इमल्सन यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद है हमारा अगला मेथड जो हमारा ट्राइचुरेशन की कैटेगरी है, उसका जो हमारा दूसरा मेथड है दैट इज इंग्लिश आर वेट गम मेथड भी हम इसको कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इसके नाम की, तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं वेट, तो इसमें हम जो भी हमारा गम है उसको पहले हम वाटर में ऐड करते हैं और उसके बाद में उसमें ऑयल ऐड करते हैं। तो जो अगर हम बात करते हैं ड्राई की, तो वहाँ पे हम अपने इमल्सिफाइंग एजेंट को या हमारे वो गम को हम ऐड कर रहे थे ऑयल में पहले, बट यहाँ पे हम पहले उसको वाटर में ऐड करते हैं। इन दिस मैथड सेम प्रपोर्सन ऑफ ऑयल वाटर एंड गम आर यूज एज ड्राई गम मैथड। तो यहाँ पे हम सेम प्रपोर्सन ऑयल का, वाटर का, और जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट है गम है उसका हम यूज़ करते हैं जैसा कि हम ड्राई मेथड में यूज़ कर रहे थे 4:2:1 के रेशियो में, बट इनकी जो मिक्सिंग का ऑर्डर है वो थोड़ा अलग होता है। तो अगर हम बात करते हैं इसके मिक्सिंग के ऑर्डर की, तो सो फर्स्ट गम एंड वाटर आर ट्राइचुरेटेड टू फॉर्म द म्यूसिलेज। तो सबसे पहले हम गम और वाटर को एक साथ में ट्राइचुरेट करते हैं और एक म्यूसिलेज को फॉर्म करते हैं। देन ग्रेजुअली स्मॉल पोर्शन ऑफ ऑयल इज ट्राइचुरेटेड टू फॉर्म द प्राइमरी इमल्सन। उसके बाद हम जो उसमें ऑयल ऐड करते हैं उसको ट्राइचुरेट करते हैं और एक प्राइमरी इमल्सन को फॉर्म करते हैं। जब हमारा प्राइमरी इमल्सन बन जाता है तो उसके बाद में जो भी हमारी रिमेनिंग क्वांटिटी है वाटर की या ऑयल की उसको हम इसके अंदर ऐड करते हैं और फिर फाइनल इमल्सन क्रिएट कर लेते हैं। तो अगर इन दोनों मेथड में अंतर की बात किया जाए, तो जो हमारा ड्राई गम मेथड है उसमें हम जो हमारा गम था उसको ऑयल में ऐड कर रहे थे फिर उसके अंदर वाटर डाल रहे थे, इसमें क्या है कि जो हमारा गम है उसको हम वाटर में पहले ऐड कर रहे हैं और उसके बाद में उसमें ऑयल डाल रहे हैं। तो इनके मिक्सिंग के ऑर्डर में ही केवल चेंज होता है, नहीं तो प्रोसेस सेम होती है। जो हमारी अगली कैटेगरी है दैट इज द बॉटल मेथड, या इसको हम कह सकते हैं बॉटल आर द फॉर्बीज बॉटल मेथड भी हम इसको कहते हैं। वो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग इमल्सन कंटेनिंग वोलेटाइल एंड अदर नॉन विस्कस ऑयल। तो अगर हमारा जो कंटेंट है वो वोलेटाइल है या जो हमारा ऑयल है वो नॉन विस्कस है, तो उस कंडीशन में हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हमारा ऑयल नॉन विस्कस है तो हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा वोलेटाइल होगा विस्कस ऑयल से, तो इसलिए उसका कंटेंट रिमूव ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो, उसकी वजह से हम यहाँ पे बॉटल में इस प्रोसेस को करते हैं, इसीलिए हम इसको बॉटल मेथड कहते हैं। इसमें हम बोथ वो ड्राई एंड वेट गम मेथड को यूज कर सकते हैं। तो इसको आइए देख लेते हैं इसमें हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। इन दिस मेथड पाउडर्ड गम इज प्लेस्ड इन ड्राई बॉटल। तो हम सबसे पहले जो हमारा है इमल्सिफाइंग एजेंट है, वो पाउडर्ड गम है, उसको हम सबसे पहले एक ड्राई बॉटल के अंदर प्लेस कर देते हैं। 2 पार्ट्स ऑफ ऑयल और वाटर इज एडेड। तो हम इसमें जो है 2 पार्ट ऑयल का या वाटर का ऐड करते हैं और इसको सेक करते हैं विद ए कैप्ड कंटेनर। एक कैप्ड कंटेनर के अंदर हम अच्छे से इसको सेक करते हैं। उसके बाद में अगर हमने यहाँ पे जो है ऑयल को ऐड किया है तो अब हम यहाँ ऐड करेंगे वाटर, या हमने अगर यहाँ पे वाटर को ऐड किया है तो अब हम ऐड करेंगे ऑयल को। ए वॉल्यूम ऑफ द सेकेंड लिक्विड वाटर आर ऑयल इज देन एडेड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल
टू द फर्स्ट लिक्विड, जो हमारा फर्स्ट लिक्विड है उसके अप्रॉक्सिमेटली इक्वल क्वांटिटी हम यहाँ पे हमारा है सेकेंड लिक्विड उसकी ऐड करेंगे और उसको सेक करेंगे विगरसली टू फॉर्म ए प्राइमरी इमल्सन। एक प्राइमरी इमल्सन को फॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे उसको विगरसली सेक करेंगे। उसके बाद हम वो क्या करेंगे, मोर वाटर इज एडेड इन स्मॉल पोर्सन, तो जो हमारा और वाटर है या जो हमारा और ऑयल है उसको हम स्मॉल पोर्सन में ऐड करेंगे विद कॉन्स्टेंट एजिटेशन के साथ में हम इसमें ऐड करेंगे आफ्टर ईच एडिशन टू फॉर्म द फाइनल वॉल्यूम। तो हम उसको जो है वो थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और जब भी ऐड करेंगे तो उसको हम कॉन्स्टेंटली उसको हम सेक करते रहेंगे वो, जैसे कि हमारा इमल्सन प्रॉपरली फॉर्म हो और उससे हम उसको ऐड करके एक फाइनल इमल्सन को फॉर्म कर लेंगे। तो ये तीन मेथड हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं अपने इमल्सन को प्रिपेयर करने के लिए। तो जो हमारे स्टार्टिंग के दो मेथड हैं ड्राई गम मेथड या वेट गम मेथड, तो वहाँ पे अगर हमारा कंटेंट वोलेटाइल नहीं है उसको हम ओपन रख सकते हैं तो हम उन दोनों मेथड्स को यूज़ करते हैं, और अगर हमारा कंटेंट वोलेटाइल है या जो हमारा ऑयल है वो नॉन विस्कस है तो उस कंडीशन में हम जो है यूज़ करते हैं बॉटल मेथड को। ओके फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट, प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।